हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई सिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अभी कितनी सीटें जो हैं वो खाली हैं। कल के दिन मैंने आपको सारी चीज़ें अपडेट दे दी थी कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें फुल हो गई हैं, कितनी कितनी सीटें खाली, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आगरा की देख लेते हैं। तो आगरा में दोस्तों 0 सीट हो चुकी है, यानी आगरा में पूरी तरीके से फुल है। उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज की तो फुल थी ही, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अयोध्या की बात करें तो दोस्तों अयोध्या भी पूरी तरीके से फुल हो चुका है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब बलिया की बात करते हैं, तो दोस्तों बलिया में भी पूरी तरीके से दोस्तों आपका जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी है। उसके बाद बरेली की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बरेली में जो है 5596 सीटें अभी भी खाली हैं बरेली में। बाकी बस्ती की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो बस्ती में पूरी तरीके से सीटें जो है वो फुल हो चुकी हैं। बिजनौर की बात करते हैं तो बिजनौर में भी दोस्तों पूरी तरीके से सीटें फुल हो चुकी हैं। देन गाजियाबाद की बात करेंगे तो गाजियाबाद में अभी भी 38086 सीटें खाली हैं, बट गाजियाबाद दूर, इसी वजह से लोग वहाँ पे फिल कर नहीं रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर की बात करेंगे तो दोस्तों गाजीपुर जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। देन उसके बाद हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर पहले से ही फुल था, वो तो चीज़ मैंने आपको बताया था। उसके बाद झांसी की बात करेंगे तो झांसी भी दोस्तों पूरी तरीके से फुल हो चुका है। उसके बाद कानपुर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों कानपुर की कल कुछ सीटें खाली थी, बट कानपुर की भी पूरी तरीके से फुल हो चुकी हैं। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो दोस्तों 3164 सीटें अभी भी खाली हैं। उसके बाद लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ भी दोस्तों पूरी तरीके से फुल हो जाएगा। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि लखनऊ बहुत जल्द फुल हो जाएगा और ये चीज़ हो भी गया, लखनऊ पूरी तरीके से फुल हो गया है, ठीक है। मथुरा की बात करेंगे दोस्तों, मथुरा में पूरी तरीके से सीटें जो है वो फुल हो चुकी हैं। उसके बाद मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ भी जो है 35864 सीटें जो हैं वो खाली हैं। उसके बाद मुरादाबाद की बात करेंगे तो मुरादाबाद जो है पूरी तरीके से फुल हो चुका है। देन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे दोस्तों, 14589 सीटें ग्रेटर नोएडा में जो हैं वो खाली हैं। उसके बाद सहारनपुर की बात करेंगे दोस्तों, वो 1185 सीटें अभी भी सहारनपुर में खाली हैं। उसके बाद सीतापुर की बात करेंगे दोस्तों, सीतापुर पूरी तरीके से जो है वो भी फुल हो चुका है। उसके बाद उन्नाव की बात करें, उन्नाव तो पहले से ही फुल था दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, उन्नाव जो है उन्नाव भी फुल है। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी भी पूरी तरीके से फुल हो चुका है। तो अब आप काम यही कर सकते हैं कि भैया या तो आप जो भी बचे हुए हैं उनमें जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग दिल्ली की ओर भाग सकते हैं, या अदर स्टेट में जो है वो देख सकते हैं। अदर स्टेट अपने बगल तो समझ लीजिए दिल्ली है ही है। देन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एक बार मध्य प्रदेश का भी रुख ले लेते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी रुख ले लेते हैं और मध्य प्रदेश में देख लेते हैं क्या सीटें खाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। और उधर जो है जैसे कि मान लीजिए भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में अभी भी सीटें हैं, बट उधर जाना मुझे नहीं लगता कि हाँ सही होगा, क्योंकि आपके पास दिल्ली है तो आराम से उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली भाग सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना, दिल्ली की बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम सिटी जो है न्यू दिल्ली ही बनाए जाते हैं। न्यू दिल्ली में आपकी अभी भी 2,12,123 सीटें अभी भी खाली, यानी आप दिल्ली की ओर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली NCT। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कल ही कि अगर आप आज ही करना, कल के डेट में मैंने बताया था कि कल के डेट में अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, वरना फुल तो हो ही जाएंगे। और आज के डेट में आप देख रहे हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ दिख रहा है हर एक चीज़ का कि सीटें जो है कितनी जल्दी फुल हो चुकी है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर मैं आप पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीटें खाली हैं और क्या क्या फुल हो सके, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।